हेलो बच्चों बच्चों, एग्जामिनेशन के दिन शुरू हो गए हैं। एग्जामिनेशन फीवर इज ऑन। लेकिन जानते हो, आजकल फैली है खतरनाक बीमारी। और देखिए, 100 में से 80% बच्चे इससे सफर कर रहे हैं, इससे ग्रसित हैं। क्या है बीमारी, ये देखो, खतरनाक बीमारी है साहब। क्या है? पढ़ो ना पढ़ो, पढ़ाई की फिक्र करो। फिक्र करो ना करो, फिक्र का जिक्र करो। कहीं ऐसा तो नहीं कि पढ़ाई की जगह आप पढ़ाई की फिक्र और फिक्र की जगह फोन पर लगा लगा के फोन पर फिक्र का जिक्र किए जा रहे हैं? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो सावधान, इससे बात नहीं बनेगी। ये पूरा वीडियो देखिए और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना बेस्ट टाइम टेबल बना सकते हैं, जो फिक्र और जिक्र की तरह जो झमेला है उससे आप निकल सकते हैं और अपनी पढ़ाई को एक नया रंग दे सकते हैं, एक नया रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई कर सकते हैं। ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों आया, पहले ये 2 मिनट में आपसे बात कर दूँ। मैं टीचर हूँ, फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाता हूँ। कल शाम को मेरी जो कोचिंग है उसमें जो बच्चे जिनका मैं रिवीजन करा रहा हूँ, रिवीजन कराने में जो मैंने टेक्निक इस्तेमाल की है वो सुपरलेटिव डिग्री की है। उनको रिवीजन नोट्स दिए गए हैं, प्लस साथ में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं हर चैप्टर के, 15 से 18 क्वेश्चन जो पूरे चैप्टर को कवर करते हैं, जिनके आने के चांसेस एग्जामिनेशन में ज़्यादा हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। प्लस साथ में हम लोगों ने 5 सिंपल पेपर दिए हैं उनको करने के लिए। और यही सारा मटेरियल ना आपके लिए भी अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ जा सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं। मैंने अपने बच्चों को जो मेरे कोचिंग में हैं उनको मैंने इसके सॉल्यूशंस नहीं दिए हैं, क्योंकि मैं उनसे रोज़ 2 घंटे मिलता हूँ, उनकी जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व करता हूँ। लेकिन आपके साथ में सामने रूबरू हमेशा नहीं हो सकता, इसलिए सॉल्यूशन भी हैं। तो क्या क्या है आपके पास? रिवीजन नोट्स, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड सैंपल पेपर्स, और सब फुली सॉल्व। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाके वहां देख सकते हैं। चलिए, मैं कह ये रहा था कि कल जब मैं रिवीजन मोड में था, उनसे जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, तो मैं करता हूँ क्या हूँ कि उनसे पूछता हूँ कि भाई, उनको मैं भेज देता हूँ और एक चैप्टर, और कहता हूँ करके आइए, जिनमें आपको प्रॉब्लम है उनका मैं प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दूंगा, उनका सोल्यूशन दिखा दूंगा, बता दूंगा, समझा दूंगा। लेकिन कल क्या हुआ शाम को कि जो बच्चे आए वो पूरा पेपर लगा ही नहीं पा रहे हैं। पेपर लगाने का मतलब है जो 18 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन हैं वो सारे लगा नहीं रहे। तो मैंने पूछा कि भाई, ये लगा नहीं रहे हो तो प्रॉब्लम कहाँ से आएगी, वो कैसे मामला सॉल्व होगा? क्योंकि ये अगर आप कर लीजिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वगैरह, तो पूरे साल की पढ़ाई एक तरफ, ये एक तरफ है। क्योंकि ये रिवीजन टाइम है, अंतिम दिन है, 30-40 दिनों का वक्त है, इसमें आपको अपना सब कुछ देना है अगर आप चाहते हैं अच्छे मार्क्स लेने। तो उन्होंने कहा, सर स्कूल जा रहे हैं, प्री बोर्ड कुछ बच्चों के चल रहे हैं, कई स्कूलों में सेकंड प्री बोर्ड चल रहे हैं, और कुछ स्कूल तो कमाल किए हैं, तीसरा प्री बोर्ड चल रहा है, और कुछ स्कूलों ने फरवरी में भी लेने का प्लान कर रखा है, जैसे मेरे बच्चे बता रहे हैं। तो इन सब सिचुएशंस में वो टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे। वो कह रहे हैं, सर हम पूरी ताकत लगा रहे हैं, पूरा दम लगा रहे हैं, लेकिन चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही हैं। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ये जो प्रॉब्लम मेरे बच्चों के साथ है ऑफलाइन, ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकती है। तो इन प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? तो सलूशन ये है कि आप अपनी पढ़ाई का एक टाइम टेबल बना लें और उस टाइम टेबल यानी प्लानिंग के हिसाब से पढ़ाई करें। तो आप देखेंगे कि हर दिन, हर नई सुबह एक नए कॉन्फिडेंस के साथ आप जगेंगे और अपने आप को ज़्यादा नॉलेजबल, लर्निंग किया हुआ बच्चा महसूस करेंगे और एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो आप बात शुरू करते हैं ना कि इस बीमारी से बचना है हमें, पढ़ाई करो ना करो, पढ़ाई की फिक्र करो, और फिक्र करो ना करो फोन पे खूब जिक्र करो, फेसबुक पे खूब जिक्र करो, व्हाट्सएप पे खूब जिक्र करो। ऐसा नहीं करना है, इससे बचना है बाबा, ऐसा नहीं करना है। तो देखिए, जो मेरी पहली बात है आपके सामने कि अभी ये एग्जामिनेशन का वक्त है, इस एग्जामिनेशन में आप जो बेस्ट दे सकते हैं अंतिम 30 दिनों में, अंतिम 25 दिनों में, अंतिम 40 दिनों में, आप कोशिश करिए 12 घंटे की। देखिए, हर टाइम टेबल अपने बच्चे का अलग होता है, कोई किसी का टाइम टेबल कॉपी नहीं कर सकता। ये भी जो मैं बात आपसे 12 घंटे की कर रहा हूँ, हो सकता है कई बच्चों को लगे कि 12 घंटे तो छोड़िए साहब, मैं तो 6-7 घंटे पढ़ लूँ बड़ी बात है। लेकिन मैं सजेस्ट यही करूँगा, क्योंकि अंतिम 1-1.5 महीने की बात है, आप जी जान लगा दीजिए, क्योंकि रिजल्ट आपके फेवर में आने वाला है। क्या है टाइम टेबल की खूबसूरती, क्या है टाइम टेबल जो किसी टाइम टेबल को टॉपर्स का टाइम टेबल बना देता है? वो बनाएगा क्या? नंबर ऑफ आवर्स, आप पढ़ाई में कितने घंटे इन्वेस्ट कर रहे हैं,
एक्सपेंस ना करिएगा, अगर आप कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो खर्चा साबित हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। आपको इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट वो तभी बनेंगे घंटे जब आपके नंबर ऑफ आवर्स, अगर 12 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके साथ आपका कंसंट्रेशन हो। और इसको मत भूलिएगा हेल्थ को आप, क्योंकि अंतिम 30 दिनों में, अंतिम 20 दिनों में अगर आपकी हेल्थ में सर्दी जुकाम हो जाए या कोई इलनेस हो जाए या घबराहट में आप परेशान हो जाएं तो वो आपका समय किल कर देगा। तो आप रिलैक्स भी रहिए थोड़ा, और ज़बरदस्ती का ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। फिक्र पे नहीं, एक्शन ओरिएंटेड पढ़ाई चालू कीजिए। केवल नहीं ये होना है, करना है, ऐसा नहीं करना है। इन बातों का ये सूत्र है, ये इक्वेशन है, ये समझ लीजिए आइंस्टाइन की इक्वेशन है इस समय आपके लिए 25-30 दिन में। इससे सब बन जाएगा, इसको टू एम सी स्क्वायर हो गया साहब, समझ रहे हैं मेरी बात। अब बात करते हैं कि अभी सिचुएशन क्या है। कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं, 12th और 10th दोनों की मैं बात कर रहा हूं, और कुछ बच्चों के लिए फुल डे अवेलेबल है, स्कूल जाना बंद कर चुके हैं। तो देखिए मैं बात करता हूं, अगर फुल डे अवेलेबल है आपके पास तो आप मॉर्निंग से ही जग जाएं साहब। आप हो सकता है मॉर्निंग में जगने की आदत ना हो, मेरा सजेशन ये रहेगा, मैंने लिखा भी था कि सुबह उठ के 4 बजे से पढ़ाई शुरू कर दें। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मॉर्निंग के समय जब आप 4 बजे जगेंगे उस समय आपके पास डिस्ट्रैक्शंस होने का कोई मुद्दा नहीं होगा, बहुत कम डिस्ट्रैक्शंस होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि आपके जो साथी हैं वो अक्सर सो रहे होंगे या वो भी जगेंगे तो व्हाट्सएप चला नहीं रहे होंगे, जहाँ तक आपको मोबाइल में हरी नीली पीली बत्ती नहीं जलेगी आपकी, वहाँ टेंशन फ्री रह सकते हैं, शोरगुल नहीं होगा सुबह, घर में आने जाने वालों का चक्कर नहीं होगा, और टीवी भी देखने में कई लोग बहुत, मेरा टीवी सबसे प्यारा, ये भी इसे बच सकते हैं। उस समय टीवी में बड़े अजीब टाइप के ऐड आ रहे होंगे, मोटे को पतला कैसे करें तो इस टाइप का ऐड आपके किसी काम के नहीं है, तो आप फोकस कर पाएंगे। तो आप सुबह उठें और सुबह ही एक लंबी इनिंग खेले, वो भी मैं बात करता हूँ, सुबह 4 बजे से पढ़ाई करें और पढ़ाई को आगे ले जाएं। जिन बच्चों का स्कूल है वो भी मॉर्निंग में उठें, और वो ध्यान रखें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात का, कि आप जब स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए तो 6-7 घंटे आपके स्कूल में लग जाते हैं, 6-7 घंटे लगते हैं, और शाम को कोचिंग भी जाते हैं मान लीजिए घंटे 2 घंटे, तो 8 घंटे का वक्त, 24 घंटे में 8 घंटे आपके निकल जाते हैं यहाँ। अगर वो घंटे निकल रहे हैं तो उनको बर्बाद नहीं होने देना अपने को, हमें स्कूल में मोस्ट प्रोडक्टिव रहना है। ये नहीं सोचना है कि टीचर ने स्कूल में पढ़ाया घर जाके इसको समझूंगा, नहीं 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 नहीं, घर जाके क्यों भाई, ये भी घंटे हैं, यहाँ भी समझ सकते हैं आप, स्कूल में ही समझो, टीचर के पीछे पड़ जाओ सर हमें समझाइए, कोई क्वेश्चन लगाना है उसको क्लैरिटी के लिए तो आप वहीं न्यूमेरिकल लगा लीजिए, ना आए टीचर से बोल लीजिए, कोचिंग में भी यही काम कीजिए, घर के लिए पेंडेंसी ना बढ़ाइए, क्योंकि 8 घंटे आपके खर्चों में चले जाएंगे, एक्सपेंस हो जाएगा आपका, बर्बाद हो जाएंगे, स्कूल भी जा रहे हैं 6-7 घंटे और कोचिंग भी जा रहे हैं, तो वहीं पे काम को निपटाने की कोशिश कीजिए, और घर पे जो समय है वो और पढ़ाई को बूस्ट कर सके आपको। ये ध्यान रखिएगा, ये गलती कभी मत कीजिएगा कि स्कूल जाइए और स्कूल में जो कुछ हुआ उसको सरसरी तौर पे देखे और घर आके सोचे कि मैं घर पे करूंगा, नहीं कर पाएंगे घर पे, अभी युद्ध स्तर पे पढ़ाई करनी है आपको। तो स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल का काम स्कूल में ही निपटाइए, टीचर से मदद लीजिए, दोस्तों से, जो आपके दोस्त हैं जिनकी मैथ्स अच्छी है, फिजिक्स अच्छी है, या अकाउंट्स के, इकोनॉमिक्स के हैं, किसी भी सब्जेक्ट के हैं जो, जिसमें आप सपोर्ट चाहते हैं, उन बच्चों से मदद ले सकते हैं अगर वो मदद कर रहे हैं और करवा पा रहे हैं आप। और बाकी फुल डे अवेलेबल है तो शुरू हो जाइए, रात को थोड़ा जल्दी सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, डिस्ट्रैक्शन से बचना है। और ये बड़ी खतरनाक चीज़ है भाई, बहुत जानलेवा चीज़ है, आपसे बताऊँ, जिन बच्चों का, मेरी एक स्टूडेंट है, मैं क्या बोलूँ, नाम नहीं लूँगा, फुल डे अवेलेबल रहता है और सुबह उठती हैं 10 बजे, मम्मी ने खूब प्यार किया उनको, उड़ेल रही हैं मेरी बेटी सो लेकर के, है ना, सुबह 10 बजे उठती हैं और घंटा 1.5 घंटा वो उठने और माहौल बनाने में जाता है, पढ़ना है खूब भाई, खूब पढ़ना है, और 1-1.5 घंटा माहौल बनाने में निकल जाता है, समय निकल जाता है, उसके बाद 1 घंटा पढ़ते भी हैं, और उसके बाद फिर दिन का नहाने धोने का कार्यक्रम, फिर भूख लग जाती है, 2 बज जाता है, फिर 2 घंटे पढ़े, शाम फिक्र का जिक्र करो, लगा दो 2-4 को फ़ोन, और फिर रात को 2 घंटा पढ़ो, पूरा दिन निकल गया, सो जाओ। तो भाई साहब मेरे बच्चों, माहौल ना बनाना, पढ़ाई करिए, माहौल बनाने में बड़ा टाइम जाता है। आपको कहीं घूमने जाना होता है ना तो आप ड्रेसिंग में समय लगा देते हैं घूमने से ज़्यादा, मेरे बाल कैसे, जूते कैसे, चप्पल कैसे, ड्रेस कैसे, तो पढ़ाई में कंटेंट मैटर करेगा आपका, है ना, तो माहौल ना बनाइए पढ़ाई में। सुबह आप इतना लेट कतई ना उठें, अगर फुल डे अवेलेबल है तो सुबह का वक्त आपके लिए गोल्डन टाइम है, आप उसको यूज़ कीजिए,
रात को जल्दी सो जाइए, दिन में 1 घंटा सो जाइए, दिन में 2 घंटा सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप सुबह 4 बजे उठिए और 4 से 1 पारी खेलिए, लंबी लंबी पारी खेलने में भी मैं बात करता हूँ कि ब्रेक कैसे ले सकते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आपके दिमाग में पैशन है, देखिए ये सारी कहानी किनके लिए वैलिड है, ये उन बच्चों के लिए वैलिड है जो पैशनेट है, जिनका दिमाग में डेडिकेट एकदम पक्का है कि मुझे अच्छे नंबर लेके आने हैं। पढ़ाई ज़्यादा जिसकी हो चुकी है उसकी तो बल्ले बल्ले, वो तो सही दिशा में जा ही रहा है। जिसकी पढ़ाई थोड़ी कम हुई है, रिवीजन में थोड़ी सी 19-20 हो रहा है, वो बिल्कुल लगे रहे, एकदम सोचे पक्का मैं करके छोड़ूंगा, हो ही जाएगा। अगर दिमाग में डाउट है, कह रहे छोड़ो देख लेंगे, तो उनके लिए टाइम टेबल नहीं है, आप मस्ती कीजिए, जो होगा अच्छा ही होगा, है ना। ये उनके लिए है जो मार्क्स ज़्यादा लाना चाहते हैं, जो मार्क्स अच्छे लाना चाहते हैं, ठीक है। तो अगल बात फिर मैं चर्चा की बात कर रहा था, इसी चर्चा की कि आप डिस्कशन में ना उलझें ऐसे वैसे फलाना धमाका, आप पढ़ाई चालू करें और पढ़ाई जम के करें प्लानिंग के साथ। सुबह उठें 4 बजे, जैसे मैंने बात अभी आपसे की, मॉर्निंग टाइम आपके लिए गोल्डन टाइम है, इसको बर्बाद नहीं होने दें। अच्छा, ठंडक थोड़ी हो रही है, कपड़े पहने खूब, घर में हीटर हो तो हीटर जला लें, लेकिन शुरू हो जाएं साहब, शुरू हो जाएं। बात करते हैं ब्रेक। देखिए जब ब्रेक लेते हैं पढ़ाई के दौरान, कई साइंटिफिक स्टडी, बिल्कुल ठीक है उनका कहना कि 40, 45, 50 मिनट के बाद थोड़ा कंसंट्रेशन आपका कम हो जाता है, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक ले लेंगे तो आप बिल्कुल रीजनरेट हो जाएंगे। लेकिन थोड़ी सी मेरी राय, जैसा मैं खुद महसूस करता हूँ, मैं खुद भी जम के काफ़ी घंटों तक पढ़ लेता हूँ, तो जब तक आपका कंसंट्रेशन बन रहा है 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, तब तक पढ़ते रहें आप। कोई क्यों भाई, जब कंसंट्रेशन बन रहा है, मन लग रहा है, तो चालू रहिए। किसी ने लिख थोड़ी, भगवान ने थोड़ी लिख दिया कि उठना ही है आपको। उसके बाद जब आपको लगे कि आपके भेजे में जाना कम हो गया है, कंसंट्रेशन में दिक्कत हो रही है, तो आप 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। 10 मिनट के ब्रेक में कभी 15 मिनट हो जाए तो अपने आप को क्रिटिसाइज मत कीजिए, शांति से प्यार से फिर शुरू हो जाइए। हाँ, ये ना हो कि 10 मिनट के ब्रेक में आपने फोन लगा लिया या कहीं टहलने निकल गए, 10 मिनट के 1 घंटे निकल गए, ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपने ब्रेक लिया, आराम से शांति से घूम फिर के फ्रेश होकर फिर शुरू हो जाइए, है ना। और फिर भी स्टार्ट करें तुरंत कंसंट्रेशन नहीं बनना तो 10 मिनट और सही, लेकिन कंसंट्रेशन बनना ज़रूरी है, तभी वो प्रोडक्टिव स्टडी होगी। तो सुबह उठें, ब्रेक अपने हिसाब से लें, किसी की कॉपी ना करें कि किसी ने बताया है 45 मिनट बाद 10 मिनट टहलना है तो ज़बरदस्ती एकदम खाँचो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अटैकिंग मोड में अगर आप आ जाएंगे तो थक भी सकते हैं और मन भी विचलित हो सकता है। ये सेम ऐसा ही है जैसे कोई नया बच्चा जिम ज्वाइन करे और पहले ही दूसरे दिन खूब करारी एक्सरसाइज कर ले 2-2 घंटे की, तो चौथे दिन जाने की हिम्मत नहीं होगी, पूरा बदन ही टूट जाएगा उसका। तो आपको ज़्यादा तो करना है, समय कम बचा है, लेकिन अपने को स्ट्रेच एक हिसाब से करना है कि इंटरेस्ट लूज ना हो, घबराहट ना बढ़े, आपको मज़ा भी लेना है साथ साथ, और आपका कॉन्फिडेंस हर दिन बेहतर होना चाहिए, इस हिसाब से काम कीजिए। बात करता हूँ, देखिए कई, जैसा मैं फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाता हूँ, जैसे PCM वाले बच्चे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले, अकाउंट्स वाले, इकोनॉमिक्स हैं, हिंदी इंग्लिश भी होगी आपके पास, तो जो सब्जेक्ट मेमोराइज करने वाले हैं, जिसमें याद ज़्यादा करना रहता है, बायो ले लीजिए, केमिस्ट्री ले लीजिए, इकोनॉमिक्स ले लीजिए, और भी जो सब्जेक्ट होंगे, उन सब की कहानी आप मॉर्निंग की रखिए। मॉर्निंग में फ्रेश दिमाग रहेगा, खूब बढ़िया तरीके से याद कीजिए उसको। और रही बात जो कॉन्सेप्चुअल मामला है, जिसमें प्रैक्टिस करनी है, मैथ्स है, फिजिक्स है, इन सबको आप दिन में कभी भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर ये सही कर पा रहे होंगे तो सवाल निकलेगा, वो नाटक जाएंगे, साहब ने बता देगा कि आप मुझे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आपको समझना पड़ेगा कैसे होगा, है ना। और याद करने वाला मैटर आप मॉर्निंग रखें, और जब आप पढ़ाई करें तो जो, जैसे मान लीजिए इस ग्रुप का बच्चा है PCM वाला, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गए, साइंस सब्जेक्ट्स हो गए, इनको तो रोज़ समय देना पड़ेगा। तो आपने बना लिया भाई 12 घंटे की स्टडी टाइम है, तो आपने कहा मैं 3-3 घंटे तीनों को दूंगा, 9 घंटे ये हो गए। और हिंदी इंग्लिश में से अगर दोनों ले रखा है आपने, तो एक दिन हिंदी पढ़ लीजिए 3 घंटे, 3 घंटे में तो कबाड़ा कर देंगे हिंदी का, बचेगा ही नहीं कुछ। और उसके बाद इंग्लिश ले लीजिए अगले दिन, अल्टरनेट पढ़ते जाइए, है ना, और देखिए कुछ ही दिनों में आप कहाँ से कहाँ, यहाँ से वहाँ पहुँच जाएंगे, विश्वास कीजिए आप। और याद करिए सुबह, तो ये देखिए पूरी मोड ऑफ अपरेंडी ऐसी है कि इस बीमारी के चक्कर में ना पड़िएगा मेरे बच्चों, इससे अगर आप इस झमेले में हैं तो इससे आपको निकलना पड़ेगा, वरना ये आपको क्या करेगा, केवल डिस्कशन, फिक्र का जिक्र कराते 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 समय निकलता चला जाएगा,
और समय निकलता चला जाएगा, आप एक्शन ओरिएंटेड हो नहीं पाएंगे, पढ़ाई चालू नहीं कर पाएंगे, फंसे रह जाएंगे, और बाद में जब 5-7 दिन बचे होंगे तो चाहे के भी कुछ नहीं बनेगा। जैसा मैंने बोला कि इस प्लानिंग के तहत अगर मटेरियल की दरकिनार है आपको, तो मैंने बताया कि रिविजन नोट्स, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस 20 सोल्यूशन सारे एंड सैंपल पेपर 5 20 सोल्यूशन सारे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप इसका फायदा ले सकते हैं। 100% फायदा होगा, सोची समझी रणनीति है, पक्का फायदा आपका होने वाला है। तो ये मेरे कुछ विचार थे जो आपके लिए फ्रूटफुल हैं इस बीमारी से बचने के लिए और यहाँ विनिंग स्पिरिट लाने के लिए। आप कर सकते हैं 12 घंटे की पढ़ाई, बिल्कुल आप करें, क्योंकि ये देखिए जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है, जो कि होती है अंतिम 30 दिनों में, अंतिम 20 दिनों में, तो उस समय आप विजेता हैं, आप पीठ नहीं दिखा सकते हैं, आपको सीना दिखा के सामने से प्रहार करना है और नंबर लेके आना है, और नंबर आप लेके आएंगे। जुट जाइए और जबरदस्त पढ़ाई कीजिए, देखिए नंबर कैसे नहीं आएंगे, हर बार वैसे ही सब चीजें आती हैं, बहुत आसान है, आप बिल्कुल चाहेंगे तो नंबर आपका आ जाएगा। आपको चाहना जरूरी है, आपके अंदर आपका डेडिकेशन होना चाहिए कि मुझे नंबर चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए, बस काम बन जाएगा आपका। तो अभी से पढ़ाई शुरू कीजिए, तुरंत से पढ़ाई शुरू कीजिए। जो बच्चे आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जो ये बोलते हैं, घबराहट देते हैं आपको, उनसे थोड़ी किनारा बना लीजिए, पढ़ाई अपनी चालू रखिए, किसी को भी मत सुनिए, अपने दिल की आवाज़, अपने दिमाग की आवाज़ सुनिए, बस जुट जाइए। पढ़ाई आपकी, नंबर आपके, भविष्य आपका, कैरियर आपका। तो आप खूब पढ़ाई करें, खूब नंबर लाएं, और जैसे मैं हर बार कहता हूं, ऐसा काम करें कि पेरेंट्स को आप पे फक्र हो, ऐसा रिजल्ट आए कि पेरेंट्स करें क्या बात है, मेरी बच्ची, मेरा बच्चा कमाल का है। और जीवन में ऐसा काम करें कि पूरे हिंदुस्तान पे आपको गर्व हो, ऐसा काम करके जाइए कि सब याद करें, कमाल हो गया, हिंदुस्तान प्राउड करे आपको। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको खूब नंबर दे।